बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वसीब खबरें दिनार में है शमानाज। सब तो पहले वसीब हेडलाइंस। आसिफ अली जरदारी बयान दिलबरदाश्त थी रीता असद दहशतगर्दी को सपोर्ट करने का इल्जाम नहीं लाता। वन सदर यूसुफ रजा गिलानी बोल पे साबिक वजीर आजम दी 8 केसेस विच 7 डी की हिफाजत की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हर केस एक एक लाख रुपए दे मचल के जमा करावण का हुक्म। वजीर आजम नवाज शरीफ नाल पाक फौज के सरबराह जनरल राहिल शरीफ की मुलाकात। मुल्क की अंदरूनी ते सरहदी सूरत हाल ऑपरेशन जरबियाज समेत वे अहम उमूर से गाल मुहार की गई। इलेक्शन कमीशन जिमनी इंतखाबात ते अदलिया दा तावन ना गिरन दा फैसला किते। इलेक्शन कमीशन दे फैसले दे तहत लाहौर ते लोधरा च इंतखाबात इंतजामी ते इलेक्शन कमीशन दे अपने अफसरां दी निगरानी थी सन। पेट्रोल दी कीमतों का कम थी गया पर शहरियों को पेट्रोल ना मिल सकया। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन की हड़ताल की वजह तो पेट्रोल की सप्लाई ना थी सकी, शहरी परेशान। खुर्शीद शाह तेल दी कीमत मुस्तरद कर दी आखिर तेल दी कीमत नुमाया कमी के बावजूद आवाम को रिलीफ कह नहीं दिता गया। करप्शन को सपोर्ट नहीं करें दे पर सिर्फ सिंध करप्ट थी वनदा तासुर क्यों दिता वेंदे। इलेक्शन कमीशन अरकान तो मुस्ताफी थी वनी कम अज कम माफी का मुतालबा भी कर दिता। डॉक्टर आसिम वांगे राणा सनाउल्ला को भी गिरफ्तार कर दिया वे तो वे वे इंकशाफा थी सन। मौजूदा हालात लगते जो एक महीने कौमी हुकूमत तश्कील दे दी वे सी। रुकन कौमी असम्बली जमशेद खान दस्ती दी मीडिया नाल गाल मुआर। पंजाब के वजीर कानून राणा सनाउल्ला का आखने जो आसिफ अली जरदारी मुफहमत की सियासत करने पर अक्सर जज्बात जा वे साबिक सदर को डॉक्टर आसिम हुसैन की गिरफ्तारी का दुख थे। कीमतों कमी के नाल ही लाहौर पेट्रोल नायाब थी गया। शहरी बूंद बूंद पेट्रोल संगे जा जा अखबार थी पे। पंप मालिकान तसली करवाई है जो ऑयल टैंकर मालिकान की हड़ताल न शहरी खौफजदा ना थी वेन पेट्रोल बहू है। खैबर एजेंसी की तहसील जमरूद है खास अदार फोर्स की गाड़ी से खुदकुश बम हमला। 6 बंदे जां बहक एहलकारा समेत 56 जख्मी थी गए। हलाकत इजाफे का खदशा डूबामा को नाकारा बना दिया गया। वजीर दाखिला बलोचिस्तान सरबराज गुप्ती दाखने जो सियासी जमातों को आप पाते लड़ावन की साजिश की वेंदी पई है। बलोच कौम को लड़ावन वाली के अजैम खुलते सामने आ गए। मुल्तान शहर काले शीशे नीली बत्ती सावी नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। ट्रैफिक पुलिस की तरफों आवाम पंपलेट्स वंडे गए। सहीवाल के बहावलपुर डू कातना को तख्तादार से लड़का दिता गया। बुरसाए सुलह के बाद एक मुजरम की फांसी मुखर कर दी गई। गुजरांवाला मदरसे के उस्ताद की दड़के तो दिल बर्दाश्त थी ते 8वीं जमात के तालिब इल्म नहरे तरफ मारते खुदकुशी कर की थी। नाश को बोलन की सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिता गया। चाचना शरीफ नाल दरिया सिंध सुमका के मकान से कटाओ की शिद्दत वधारा। पानी के शदीद बहाव नाल मंचन बंद टुट गया। पंज नल के नाल सिस्टम से सुमका को शदीद खतरा। इलाके के मकीन नकल मकानी शुरू कर दी। प्रीमियर खाने दरिया सिंध सुमका के मकान से मंचन बंद का कटाओ तेजी नाल जारी। मंचन बंद का 1800 फुट हिस्सा दरिया बुट थी गया जैसे दरियाई कटाव गुदपुर का रुख कर दिया। 6 बस्तियां उनकी वलेडे जा गया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल राशिद महमूद सरकारी दौरे से बीजिंग पहुंच गए। चाइनीज पीपल्स वार की 17वीं सालगिरह की तकरीबात शरीक थी सन। मुतहद अकवामी मूवमेंट के रहनुमा रशीद गोडेल की हालत को डॉक्टर तसली बख्श करार दे दिता। डीजी ईस्ट मुनीर शेख की रशीद गोडेल नाल मुलाकात। हमले के हवाले नाल गाल मुहार। रेंजर्स कराची के दाखिली के खारजी रस्तियां से स्कैनिंग से सर्वेलेंस सिस्टम ला दी। गाड़ियों की निगरानी हथियारों से गैर कानूनी शहीदी जांच पड़ताल मदद दे सी।
محبت ناکامی ڈو جانا گھن گدیاں کراچی دے علاقے پٹیل پاڑا دے اسکول چوہر فائرنگ کردے چوہر کو قتل کر دیتا خود کو بھی گولی مار کے جان بحق کر دیتا چوہر تو محبت ناکامی دے خودکشی دا خط برآمد پولیس چوہر دے پیو کو حراست گھن گدا ڈیرا غازی خان دا واسی تے ایف ایس سی دا طالب علم پرسران بیماری وچ مبتلا ڈاکٹر دی طرفوں علاج سانگے 40 لاکھ روپے طلب دیوا ماں در دردیاں ٹھوکرا کھاون تے مجبور میئر حضرات تو پتر دے علاج کے مدد دی اپیل کیتی ہے ملتان شارٹ سرکٹ دی وجہ تو نجی ہسپتال بھار لگی دھواں کھنڈن دی وجہ تو مریضاں کو مختلف ہسپتالاں منتقل کر دیتا گئے ریسکیو اہلکاراں بھار تے قابو پا گئے دے ملتان نشتر میڈیکل کالج ہسپتال دے بجٹ اجلاس تھیا جہاں 3.25 ارب روپے دے سالانہ بجٹ دی منظوری دی گئی پابندی دے خاتمے دے بعد کرکٹر محمد آصف دوبارہ کھیلن کے پرعزم اکھیں تنقید کرن والیاں کو زبان دی بجائے بال نال جواب دے سان ایشین باکسنگ چیمپئن شپ پاکستان دے 8 چوں 7 باکسرز شکست دے بعد ایونٹ تو باہر پاکستان دی واحد امید محمود الحسن آج کوارٹر فائنل کھیل سن